लेट आए हैं, क्या मामला है? शायद श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव जो कि देश और विदेश में मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में रामपुर गुरुद्वारा संत भाजी बाबा सिविल लाइन पे भी ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसमें 3 खालसा मार्च निकल चुके हैं और चौथा नगर कीर्तन जो 10 तारीख को श्री कलगीधर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिविल लाइन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा मुद्दे से नगर पालिका के सामने से ये नगर कीर्तन आरंभ होगा 3:00 PM। नगर कीर्तन शोकत अली रोड से होता हुआ गन्ना सोसाइटी, पुराना बस अड्डा, थाना सिविल लाइन, रेलवे स्टेशन रोड से गुरु ग्रंथ साहब द्वार से गुरुद्वारा रोड से गुरु नानक दरबार से होता हुआ गुरुद्वारा संत भाजी बाबा में रात को लगभग 9:30 बजे समाप्त होगा। इसमें दूर दूर से रागी जथे, कथावाचक, प्रचारक, ढाडी जथे सभी पहुँच रहे हैं। गतका पार्टी, स्केटिंग कोर्स और बच्चे भंगड़ा पार्टी हैं सभी इसमें PTT में शामिल होंगी और ये एकत्रित नगर कीर्तन हुआ समूह देश की जनता को गुरु नानक देव जी के पर्व की लख लख बधाई हो। और ये आज हम DM साहब को इसके लिए आमंत्रित करने आए थे, उन्हें कार्ड दे रहे हैं जो कि ये गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के संबंध में तैयार हुआ है। सभी अधिकारीगण को, नेताओं को और समाजी सेवाओं को, शहर काजी को, शहर इमाम को, मंदिर से पुजारियों को और ईसाइयों को, सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इस कार्यक्रम से क्या संदेश दिया जाता है? ये एक ही संदेश है कि एकता का प्रतीक गुरु नानक देव जी, जिनके 2 शिष्य थे, एक हिंदू और एक मुसलमान, वो शुरू से एकता लेके चले हैं और हम देशवासियों को यही आश्वासन दिलाना चाहते हैं, गुरु नानक देव जी की दिव्य प्रेरणा उद्देश्य से आप सब एक रहो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं और एक रहो, एक देश एक, सब हम एक हैं और